बस 18 की शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत से ही शो ने काफी टीआरपी कमाई है। शो में टीवी के और सोशल मीडिया के काफी फेमस नाम शामिल किए गए हैं। लोगों में ये गलतफहमी है कि बिग बॉस पर एपिसोड कंटेस्टेंट को लाखों रुपए देता है, क्योंकि हाल ही में शिवानी कुमारी ने अपने ब्लॉग पे भी ये दिखाया था कि उन्हें बिग बॉस से 32 दिनों में 2,20,000 रुपए मिले। जी हाँ, यही सच है। अब आप लोग सोच रहे होंगे, फिर एक्टर और इन्फ्लुएंसर यहाँ क्यों आते हैं? दरअसल वो लोग अपना नाम कमाने आते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला रियलिटी शो है और यहाँ सबको बराबर पैसा नहीं मिलता। यहाँ किसी को कम तो किसी को ज़्यादा मिलता है। इस वीडियो में हम बिग बॉस 18 के कंटेस्टेंट की पर एपिसोड सैलरी जानेंगे, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल पर आपका स्वागत। चुम पेशे से एक मॉडल और एक्ट्रेस हैं। वो गंगूबाई काठियावाड़ी और बधाई दो मूवी में उनके रोल के लिए जानी जाती हैं। बात करें बिग बॉस में उनकी पर एपिसोड सैलरी की, तो उन्हें मेकर्स 8,000 रुपए दे रहे हैं। शिल्पा शिरोडकर, शिल्पा किसी जमाने में फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस रही थी। उन्होंने साल 1989 में बॉलीवुड डेब्यू किया था। उस वक्त वो केवल 16 साल की थी। काफी फेम पाने के बाद वो एक वक्त तक गुमनाम हो गए, लेकिन अब वो बिग बॉस का हिस्सा है। उन्हें बिग बॉस के घर में पर एपिसोड 10,000 रुपए दिए जाते हैं। शहजादा धामी, शहजादा पेशे से एक एक्टर और मॉडल है। वो खासकर उनके टीवी शो ये जादू है जिनका, शुभ शगुन और ये रिश्ता क्या कहलाता है के लिए जाने जाते हैं। शहजादा को बिग बॉस में पर एपिसोड 15,000 रुपए दिए जा रहे हैं। आफरीन खान, आफरीन पेशेवर मोटिवेटर और लाइफ कोच है। वो एक्टर ऋतिक रोशन के क्लोज फ्रेंड के तौर पर भी जाने जाते हैं। बिग बॉस के घर में आफरीन को पर एपिसोड 14,000 रुपए दिए जा रहे हैं। श्रुतिका अर्जुन राज, श्रुतिका एक मॉडल और साउथ इंडियन एक्ट्रेस है। उन्होंने बिग बॉस प्रीमियर पर ही बताया था कि उन्होंने जितनी भी फिल्में की सभी फ्लॉप रही हैं। बिग बॉस के घर में श्रुतिका को पर एपिसोड 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं। हेमा शर्मा एक फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, जिन्हें वायरल भाभी के नाम से भी जाना जाता है। सोशल मीडिया पर वो रातों रात फेमस हो गई थी। बात करें बिग बॉस के घर में उनकी पर एपिसोड सैलरी की, तो मेकर्स उन्हें 8,000 रुपए दे रहे हैं। तेजिंदर पग्गा, तेजिंदर एक पॉलिटिशियन है। वो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज के लिए सोशल मीडिया पर भी काफ़ी फेमस हैं। इसी फेम की वजह से उन्हें बिग बॉस में शामिल होने का मौका मिला। उन्हें बिग बॉस में 14,000 रुपए पर एपिसोड दिए जा रहे हैं। सारा आफरीन खान, सारा पेशे से एक एक्ट्रेस और टीवी होस्ट है। वो बिग बॉस में अपने हस्बैंड आफरीन खान के साथ आई हैं। बात करें उनकी पर एपिसोड सैलरी की, तो मेकर्स उन्हें 10,000 रुपए दे रहे हैं। नायरा बनर्जी, नायरा भी उनके टीवी शोज के लिए जानी जाती है। साथ ही वो रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 का भी हिस्सा रही। बिग बॉस के मेकर्स उन्हें पर एपिसोड 12,000 रुपए दे रहे हैं। गुणरतन सदावत, गुणरतन पेशे से एक एडवोकेट है। वो अक्सर विवादों में भी रहते हैं। एक बार उनकी गोवा और महाराष्ट्र बार काउंसिल से विवाद हो गया, जिसके चलते उनका लाइसेंस भी 2 साल के लिए कैंसिल हो चुका है। बिग बॉस में उनको मेकर्स 16,000 रुपए पर एपिसोड दे रहे हैं। मुस्कान मामले, मुस्कान टीवी की एक फेमस एक्ट्रेस हैं। वो टीवी के सबसे ज्यादा टीआरपी वाले शो अनुपा का भी हिस्सा रही, जहां उन्होंने बाकी का किरदार निभाया था। साथ ही वो श्रद्धा कपूर के साथ हसीना पारकर मूवी में हुमायरा के रोल में के लिए भी जानी जाती हैं। बात करें बिग बॉस में उनकी पर एपिसोड सैलरी की, तो उन्हें 16,000 रुपए दिए जा रहे हैं। ईसा सिंह, ईसा पेशे से एक मॉडल और टीवी एक्ट्रेस हैं। वो खासकर उनके शोज इश्क सुभानअल्लाह, बेकाबू और सिर्फ तुम के लिए जानी जाती हैं। बिग बॉस में उन्हें मेकर्स पर एपिसोड 18,000 रुपए दे रहे हैं। एलिस कौशिक, एलिस टीवी की पसंदीदा बहू में से एक जानी जाती हैं। वो सबसे ज़्यादा पांड्या स्टोर टीवी शो के लिए जानी जाती हैं। बिग बॉस के मेकर्स उन्हें 20,000 रुपए पर एपिसोड दे रहे हैं। रजत दलाल, रजत एक पावर लिफ्टर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। उन्होंने देश के लिए कई मेडल जीते और तब उन्हें बड़ी पहचान नहीं मिली, पर जब सोशल मीडिया पर उनकी कंट्रोवर्सीज हुई तो वहाँ से काफ़ी पॉपुलर हो गए और बिग बॉस तक आ पहुंचे। उन्हें बिग बॉस मेकर्स 20,000 रुपए पर एपिसोड दे रहे हैं। अविनाश मिश्रा, अविनाश टीवी इंडस्ट्री का एक फेमस नाम है। वो टीवी पर कई शोज का हिस्सा रह चुके हैं और कईयों में उन्होंने लीड रोल प्ले किया। उन्हें बिग बॉस में 24,000 रुपए पर एपिसोड दिए जा रहे हैं। करणवीर मेहरा, करणवीर पिछले 20 सालों से टीवी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। उन्होंने ढेर सारे टीवी शोज किए और हाल ही में वो खतरों के खिलाड़ी के भी विनर रहे। बिग बॉस में उन्हें पर एपिसोड 20,000 रुपए दिए जा रहे हैं। शहद पांडे, शहद पेशे से एक एक्ट्रेस हैं और हाल ही में उन्होंने पॉलिटिक्स भी ज्वाइन किया।
उन्हें खासकर नथ और हमारी बहू सिल्क शोज के लिए जाना जाता है। एक साल पहले वो आम आदमी पार्टी की तरफ से इलेक्शन में लड़ चुकी है। फिलहाल चाहत दिब्बास के घर में है, जहां उन्हें 25,000 रुपए पर एपिसोड दिए जा रहे हैं। विवियन डिसेना, विवियन एक जाने माने एक्टर है, उन्हें टीवी से जुड़ा हर लोग जानता है। उनके पीछे बिग बॉस के मेकर्स लंबे समय से लगे हुए थे और इस बार वो घर का हिस्सा बनने के लिए तैयार हुए। विवियन को इस शो में पर एपिसोड 30,000 रुपए दिए जा रहे हैं। दोस्तों, ये थी बिग बॉस सीजन 18 के कंटेस्टेंट की पर एपिसोड सैलरी। उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई। वीडियो एंड तक देखा है तो वीडियो पर अपना लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।